Niaga number one is to go नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने जीवन में जितने भी काम किए हैं, जितने भी कर्म किए हैं, आपको उसका क्या फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा कि पाप? मुझे पता है कि हर कोई ये जानना चाहता है, हर कोई व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट रखता है कि अगर उसको पता चल जाए कि उसको कितना पुण्य मिल सकता है और कितना पाप, तो कितना अच्छा होगा। अगर दोस्तों आपको पता करना है तो ये स्टोरी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको ज़रूर सुनिएगा। एक बार की एक बात है कि एक महारानी एक मंदिर में जाके काफ़ी पूजा पाठ करके आती है और काफ़ी धन देकर आती है, और जब वो महल पहुंचती है तो महल पहुंचने से पहले उसके दिमाग में एक बात चलती रहती है कि आज मैंने जितना मंदिर में धन दिया उतना किसी ने नहीं दिया होगा, और इसी अहंकार के साथ वो महल वापस आ जाती है। रात में सोने के बाद जब उसको एक सपना आता है और सपने में उसको भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे महारानी, आज मेरे मंदिर में काफ़ी गरीब औरत आई थी, उसने जीवन में कुछ कमाया तो नहीं पर उसके पुण्य बहुत कमाए हैं, अगर तुम चाहो तो उसको पैसे दे के पुण्य खरीद सकती हो, अगर जब तुम मरोगी और जब तुम परलोक पहुँचोगी तो ये पुण्य तुम्हें काम में आएंगे। और ये सुनते ही उसकी नींद टूट गई। उसके बाद महारानी उठी और उठकर अपने मंत्री को बुलाया, तो मंत्री को बुलाकर उन्होंने सैनिक भेजे और कहा कि जो भी मंदिर में सबसे गरीब औरत आई है उसको मेरे सामने लेके आओ। तो उनके सैनिक जाकर उस औरत को लेके आते हैं, और जब वो उनके सामने खड़ी होती है तो महारानी उस औरत से कहती है कि मैं तुम्हें जितना चाहे धन उतना दे सकती हूँ, पर तुमने जीवन में बहुत से पुण्य कमाए हैं, वो तुम मुझे बेच दो। तो वो औरत थोड़ी सी संकोच में हो जाती है, वो कहती है कि हे महारानी, उसने कहा कि मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ और अपने रोजमर्रा का खाना भी घर घर जाके मैं भीख मांग के ही खाती हूँ, तो मैं कैसे, मेरे पास कैसे पुण्य आ सकते हैं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है। तो महारानी ने कहा तुमने कुछ तो किया होगा जिस वजह से तुम्हारे पास पुण्य होंगे। उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं था, दो दिन पहले मुझे भीख में हलवा मिला था, जब पर मैं आ रही थी रास्ते में तो मैंने देखा कि एक मुझसे भी गरीब आदमी, एक मुझसे भी एक विवश गरीब आदमी जो लाचार था, जो चल भी नहीं पा रहा था, तो मैंने अपना आधा हलवा उसको दे दिया, और जब मैं मंदिर पहुंची तो आधा हलवा मैंने भगवान को अर्पण कर दिया। तो बस मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया है। ये सुन के ही महारानी का अहंकार टूट गया और उसने उस औरत को काफ़ी पैसे देकर उसको वापस भेज दिया। दोस्तों मैं आपको इसी स्टोरी से ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में किसी भी काम को करने के पीछे स्वार्थ की भावना है, मतलब किसी तरह की किसी प्रकार की इच्छा है कि आपको वो चीज़ मिले, तो आपको जीवन में कभी भी पुण्य नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आप किसी काम को निस्वार्थ अगर करते हैं तो आपको जीवन में ज़रूर पुण्य मिलेगा। दोस्तों मेरी ये राय है कि किसी भी काम को करिए, कभी मत सोचिए कि उसका क्या फल आपको मिलेगा, बस काम को करते जाइए सही लगन और सही निष्ठा के साथ, मेहनत करके उस काम को आप देखेंगे कि बिना कुछ चाहे आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एस्टे टेलीकॉम स्मार्ट डेवलपर हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके सपनों को सपोर्ट करेगा, हमेशा मोटिवेट रहने की कोशिश करें। इसी तरह प्यार देते रहिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एस्टे टेलीकॉम सर्च करें, एसी टेलीकॉम लिखें, और एसी टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। एंड ISO 9001 एंड 2008 सर्टिफाई इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। कॉल फॉर एडमिशन 9644139972। डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।